चलो अच्छा है, हमारा घर बन गया। हाँ, अब बारिश के पहले घर तैयार हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। देखना, 100% बाउंड्री जाएगी। बापू बापू, आप भी खेलो ना हमारे साथ। हाँ बापू, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बच्चों, तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों को बस खेलते हुए देखता हूँ। बापू बस एक बार। ठीक है ठीक है। ये लीजिए बापू, सिक्स मारना। हंड्रेड परसेंट बॉल गायब हो गया। बॉल गायब नहीं हुआ, ये मेरे भोला टोला गोला की शरारत है। मेरे प्यारो, बॉल वापस दे दो। बच्चों, अब तुम लोग खेलो, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। अब देख कैसे तेरा मिडल स्टंप उड़ाता हूँ। हमारे इतने दिनों की मेहनत का घर एक मिनट में तोड़ दिया। ए भगवान, ये क्या हो गया, हम अब कहाँ रहेंगे? भैया, आपकी शॉट से कौवे का घर टूट गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैंने घर जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। चल सूरज, स्केटिंग करने। कितनी बुरी बात है, इस चिंटकले ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ दिया, इससे सबक सिखाना होगा। हम अपने सरदार कालीचरण को फरियाद करेंगे, फिर वो सबक सिखाएगा। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बाप रे, भागो, नहीं तो ये हमें भी मारेंगे। अरे बस बस बस, सूरज को जाने दो। नहीं सूरज, हिंसा बिल्कुल नहीं। देखो ना बापू, कौवे ने मेरा नया टी शर्ट बिगाड़ दिया। अरे बेटा, वो मासूम पंछी हैं, उनको क्या पता चलता है। जाओ जाकर घर पर कपड़े बदल दो। हमारे 3 रास्पबेरी, मेरी मैंगो कैंडी, मेरी ऑरेंज कैंडी, मेरी चॉकलेट कैंडी। ओ, जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खा लो, नहीं तो 100% कौवे हमारी आइसक्रीम भी खा जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम लाकर देता हूँ। पर बापू, ये कौवे मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। शायद चॉकलेट आइसक्रीम कौवे का फेवरेट फ्लेवर होगा। नहीं बेटा, कल भी कौवे ने सूरज को ही अपना निशाना बनाया था, पता नहीं वो सूरज के ही पीछे क्यों पड़े हैं। कोई बात नहीं सूरज, तुम दूसरी आइसक्रीम ले लो और सब बच्चे शाना की रिक्शा में जल्दी से घर चले जाओ। शाना बेटा, सभी बच्चों को घर तक छोड़ देना। चलो बच्चा लोग, बैठो जल्दी जल्दी। चली चली रे रिक्शा मेरी, चली रे, चली चली रे। अरे ये कौवा क्यों अपुन के पीछे पड़ा है? ये कौवे फिर आ गए मुझे सताने। जाओ यहाँ से, मेरा आइसक्रीम वापस करो।
लगता है अपुन को रिक्शा ड्राइवर से रेसर कार ड्राइवर बनना पड़ेगा। चलो उनके आगे। बच्चा लोग आ गया तुम्हारा घर, चलो चलो। हमारी भी आइसक्रीम गिर गई। अब हम सूरज के साथ 100% कभी नहीं जाएंगे। बापू, कौवे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कौवे सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? इसीलिए मैंने कौवों के बॉस कालीचरण जी को यहाँ बुलाया है। भोला टोला गोला अभी उनको लेकर आते ही होंगे। बापू आ गए जी। कालीचरण जी बताइए, आप सूरज को परेशान क्यों कर रहे हैं? बापू, सूरज ने क्रिकेट खेलते वक्त हमारा घर तोड़ दिया था। इसमें मेरी क्या गलती? और क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। नहीं सूरज बेटा, ऐसे बात नहीं करते। चलिए आपके सामने सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी, अब मुझे परेशान मत करना, समझे? खामोश। देखा बापू, ये चिंटूला सॉरी भी कितने आकार से बोलता है। लगता है सूरज की सोच में गुदगुदी तो करनी ही पड़ेगी, पर आप सभी को मेरा साथ देना होगा। वाव भैया, क्या प्लेन बनाया है आपने? लगता है इस पर तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ बापू, मैंने दिन रात एक करके इसे बनाया है। कितना अच्छा प्लेन है मेरा। हाँ भैया, मोंटी के स्टाइल में कहो तो फर्स्ट प्राइज 100% तुम्हें ही मिलेगा। ओए, मेरा प्लेन मुझे वापस दो, वो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारा प्लेन है ना बिटवा, देखो इसे कैसे उड़ाता हूँ। मेरा प्लेन। भैया, आपका प्लेन तो क्रैश हो गया। सॉरी, प्लेन टूट गया। इसको क्या सॉरी बोलना, इसने हमारा घर तोड़ा था, तो कहाँ सॉरी कहा था? बाबू, मैंने इतनी मेहनत से प्लेन बनाया था और वो ये कौवे ने तोड़ दिया। अब तुम्हें पता चला, जब मेहनत से बनाई हुई चीज एक पल में टूट जाए तो कितना बुरा लगता है। पर बापू, बाद में मैं कौवे को सॉरी भी बोल दिया था। पर तुमने सच्चे दिल से सॉरी नहीं कहा था, और सॉरी बोलना काफी नहीं था। तुम्हें उनको नया घर बनाने में मदद करनी चाहिए थी। बापू, मुझे अपनी गलती पता चल गई। मैं अभी जाकर उनको सॉरी कहता हूँ। मुझे माफ करना कालीचरण जी, मैं अब नया घर बनाने में आपकी मदद करूँगा। बापू, कौवे का घर तो बन गया, पर मैं स्कूल प्रोजेक्ट में क्या दिखाऊंगा? ये लो बिटवा, तुम्हारा प्लेन हमने छुपा कर रखा था। मैंने ही कालीचरण से प्लेन तोड़ने के लिए कहा था, ताकि मेहनत से बनाई हुई चीज जब टूट जाए तब कितनी तकलीफ होती है उसका एहसास तुम्हें हो। थैंक यू बापू। दिल कभी किसी का ना तोड़ो, सॉरी से ना मुंह मोड़ो, जाने में हो या अनजाने में।
गलती तो गलती होती है, उसकी माफी मांगकर भरपाई करनी होती है।